रखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पिछले क्लास तक हमने पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज देखा, और ये सब देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मेरा कोई चार्ज दिया हुआ है Q1 और ये R1 डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे पूछा जा रहा है पोटेंशियल। अब मैं एक और चार्ज लेके आया ये Q2 और ये यहाँ से R2 डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए? पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल होता है V=KQ/R, ठीक है ये। तो एक पोटेंशियल तो इसके कारण बनेगा और एक पोटेंशियल इसके कारण बनेगा, और नेट के लिए क्या करेंगे हम लोग? वी नेट टोटल पोटेंशियल एट पी क्या करेंगे? V1+V2 कर देंगे, अगर और रहेगा तो और जोड़ते जाएंगे, यहाँ पे दो ही है तो दो जोड़ दिया हमने। तो पहले V1 कितना होगा देख लेते हैं। V1 = हो जाएगा KQ1/R1 और V2 = हो जाएगा KQ2/R2, और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, अगर और रहता तो और यहाँ पे जोड़ते जाते। तो दिस इज हाउ पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस आर मेड, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का और यहाँ पे एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटर पे पूछ रहा है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे, ये पूरा 2 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को यानी R1 = R2 दोनों बराबर है किसके? 1 सेंटीमीटर के, जिसको हम लिख सकते हैं 1×10^-2 मीटर, तो दोनों का R बराबर हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि प्लस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो V1 है, तो V1 निकालेंगे KQ1/R1, तो K का वैल्यू 9×10^9, Q1 है 5 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को बदल देंगे, 5×10^6 होता है, बटे में R1, तो 10^-2 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9×5 = 45×10^, ये देखेंगे 10^-2 ऊपर जाके प्लस बनेगा, तो 9 और 2 = 11, 11 में से ये 5×10^-6 बदला मैं माइक्रो को, तो 9 और 2 = 11, 11 में से 6 निकला 5, तो 10^45×10^5 वोल्ट, ये हो गया V1, ठीक है। V2 देखेंगे, V2 इसके कारण देखेंगे, K होता है 9×10^9 × Q -3 × माइक्रो का मतलब 10^-6 बटे में R यानी 10^-2, सो V2 हो गया -27×10^, ये -2 ऊपर जाके प्लस, तो -2 ऊपर जाके प्लस बना, तो 9×3 −27 और ये 9 और ये -2 ऊपर जाके बना प्लस, तो 9 और 2 = 11, ठीक है। फिर से देखिए 9×-3 −27 और ये 10^-2 ऊपर जाके प्लस बना, तो 9 और 2 = 11, 11 में से 6 निकला 10^5 वोल्ट, V1 V2 निकल गया। अब नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे? V=V1+V2 कर देंगे, सो V=V1 कितना है? V1 है 45×10^5 माइनस V2 कितना है? 27×10^5, सो V=, आ जाएगा 18×10^5, 10^5 कॉमन है, ये आ गया नेट पोटेंशियल ऑन सेंटर। सो दिस इज हाउ यू आर गोना सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे, दूसरा प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ है यहां पे 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये दिया हुआ है √2, ये भी दिया हुआ है √2, ये भी दिया हुआ है √2 और ये भी दिया हुआ है √2। बोल रहा है कि इसके सेंटर पे
बोल रहा है कि इसके सेंटर पे यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना होगा इसके सेंटर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल दिख रहा है, तो एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखेंगे, ये अगर x है, ये भी x है, तो ये हाइपोटेनस होता है x रूट टू, ये 10, ये 10, तो ये होता है 10 रूट टू, ठीक है। तो ये रूट टू, ये रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू टू होता है, यानी रूट टू, ये रूट टू, तो ये हो गया टोटल टू, और टोटल टू हो गया तो ये हो गया इधर वन और इधर भी हो गया वन, सेम कहानी यहाँ पे, ये हो गया वन और ये हो गया वन, ठीक है। पाइथागोरस भी लगाओगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन ट्रिक याद रखोगे x, ये x, तो ये x रूट टू, तो रूट टू रूट टू, तो ये रूट टू इंटू रूट टू और दो होता है, तो यहाँ से यहाँ तक दो, तो सेंटर से इधर वन और सेंटर से इधर वन, सेम कहानी यहाँ पे दोहराई जाएगी। तो यहां से हमने निकाल लिया अपना डिस्टेंस, और पोटेंशियल निकालने के लिए एक चार्ज चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए एक पोटेंशियल इसके कारण यहां बनेगा, एक इसके कारण बनेगा, एक इसके कारण बनेगा और एक इसके कारण बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें कॉमन हो गई है, अगर मैं पोटेंशियल निकालू तो मुझे लिखना पड़ेगा v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। तो v इक्वल टू k और r मेरा कॉमन हो गया है, सब में k और r कॉमन है, r है 1 मीटर, तो मैं सब में k अपॉन r कॉमन ले लेता हूं। अब बचा q1 प्लस q2 प्लस q2 प्लस q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4, ये तो 5 माइक्रो कूलम में से 3 माइक्रो कूलम निकला, 2 माइक्रो कूलम, दो और दो चार माइक्रो कूलम, चार और दो छह माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे हो गया छह माइक्रो कूलम, ठीक है। v इक्वल टू k का वैल्यू रखूंगा मैं 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 6, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 6 और बटे में 1 है, रख के कोई फायदा नहीं, ठीक है, r 1 है, तो 9 इंटू 6 54 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट इज द नेट पोटेंशियल ऑन सेंटर, सो दिस इज हाउ यू गोना मेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक हेक्सागन है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, और यहां पे इसके सेंटर पे पूछा जा रहा है नेट पोटेंशियल सी पर, ठीक है। यहां पे चार्ज रखा है 5 माइक्रो कूलम का, यहां पे 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 भी 5 माइक्रो कूलम का, और यहां पे भी रखा है 5 माइक्रो कूलम का, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, अच्छा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, दस सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मुझे चाहिए ये चार्ज और ये डिस्टेंस, तो यहाँ निकाल लूंगा ये चार्ज और ये डिस्टेंस, अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ निकाल लूंगा ये चार्ज ये डिस्टेंस, यहाँ निकाल लूँ मैं ये डिस्टेंस तो यहाँ निकाल लूंगा, क्योंकि एक चार्ज चाहिए और एक डिस्टेंस चाहिए पोटेंशियल निकालने के लिए। ये चार्ज है, अगर ये डिस्टेंस मुझे मालूम हो जाए तो यहाँ निकाल लूंगा, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस मुझे मालूम हो जाए तो मैं यहाँ निकाल लूंगा, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाए तो मैं यहाँ पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो ये डिस्टेंस कैसे मालूम होता है, देखिए अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, क्योंकि अंदर में जो एंगल बनता है वो 60 60 60 का बनता है, यानी रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का से मिलकर बना होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, और ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, और ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, तो अंदर का सब 10 हो गया, मतलब आपको साइड्स मिल गया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, चार्ज भी सेम है, साइड भी सेम है, यानी चार्जेस भी सेम है और साइड यानी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी सेम है और के भी सेम है, तो एक का निकाल के 6 से गुणा करूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर। तो देखिए v इक्वल टू, या तो मैं ऐसा करूं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस इस तरह से v6 तक करूं, या मैं ये कर सकता हूं v इक्वल टू 6 इंटू v, तो v इक्वल टू देखिए इधर ये जितना चार्ज है उतना ही चार्ज ये है, और ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ही है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ आएगा,
उतना ही पोटेंशियल, यानी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 2 आया, तो यहाँ का भी 2 आएगा, तो 2 + 2 + 2 6 बार जोड़ेंगे 12 आएगा, और यहाँ का निकाल को मैं 6 से गुणा कर दूं तो 2 × 6 12 ही आएगा। तो शॉर्टकट लगाते हैं हम लोग, 6 × V k Q, Q है 5 μC, वैल्यू ही रख देते हैं K Q/R। तो V इक्वल टू 6 × K का वैल्यू 9 × 10⁻¹, Q का वैल्यू 5 μC, तो 5 × 10⁻¹⁠ बटे में R 10 सेंटीमीटर को 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे आंसर। तो ये हो जाएगा, ये 5 से कटा देता हूँ 2 बार में, और ये 2 से कटा देता हूँ 3 बार में, तो ये भी हो गया 9 × 3 = 27 × 10⁻¹⁰। देखते हैं 10 का पावर ऊपर 9 है और नीचे माइनस दो ऊपर जाएगा, तो 9 × 2 = 11, और 11 में से 6 निकल जाएगा, तो 10⁵ वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू आर गोना सॉल्व। अगले क्लास में हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल भी हम लोगों ने मिस किया है, वो भी देखेंगे। सो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।